हाँ, आज हम आ गए हैं जावरा की मशहूर कचौरी, जो कम से कम 100 साल पुरानी हो गई है दुकान इनकी। और आज भी जो 100 साल पहले जो टेस्ट था वही टेस्ट आज भी है यहाँ का। और बड़े बड़े जो भी लोग बाहर से आते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो या फिर हिंदुस्तान के बाहर की कंट्री हो, जो लोग जावरा को जानते हैं वो यहाँ की कचौरी के बारे में ज़रूर पूछते हैं कि यार वो कमल टाकीज़ के वहाँ की कचौरी है भी कि नहीं। तो आज हम आपको दिखाते हैं, देखिए कचौरी साहब बना रहे हैं और देख सकते हैं आप। और इसके ऊपर ही ये कमल टाकीज़ है जहाँ पे फिल्में वगैरह चलती थी, लेकिन आज वो दुर्भाग्य से बंद हो चुका है। अब भाई साहब, तो कितनी पुरानी दुकान अपनी? 100 साल हो गया। 100 साल होगा इसको और टेस्ट वही आज भी एक बंदे हैं जो 35 साल पहले जावरा आए थे, तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि यार वो कमल टाकीज़ क्या होगी, जो कचौरी है वो कैसे बनती है और उसका वीडियो मेरे को भेजना। और वो बड़े आपके आए थे जब 35 साल पहले खा के गए थे आपके यहाँ की कचौरी, वो तो मैंने बोला ठीक है अगर मेरे को समय मिलेगा। और अच्छी बात ये कि जमाने की है कि नवाब उस्मान अली खां जब इनकी पांचवी पीढ़ी है, और जब जावरा के जो नवाब थे इफ्तिखार अली खान साहब, उनको भी यहाँ की कचौरी बड़ी पसंद थी। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि कचौरी का टेस्ट आज भी वही है, टेस्ट वही है, साइज वही है, और सिर्फ कचौरी के नाम से ही मशहूर है, बाकी और दूसरा कोई आइटम यहाँ पे बनता नहीं है, सिर्फ कचौरी कचौरी में इनको समय नहीं मिलता। तो तकरीबन दिन भर में कितने कचौरी बेच देते हैं भैया आप? 900 कचौरी। देखिए साहब आप 900 कचौरी मतलब हज़ार ही समझ लीजिए आप। तो कितने लोग गर्मी में भी लोग यहाँ की कचौरी अगर उसको खाना वाना किसी घर पर नहीं बनता है तो यह कहते हैं चलो कमल टाकी की कचौरी खा लेते हैं हम लोग भी यार। धन्यवाद। ये देखिए कचौरी बन रही है। मेरे को भी आप 5 कचौरी दे दीजिए, मेरा मुँह में पानी आ गया है कचौरी देख के। तो 5 कचौरी मेरे को पैक कर दीजिए आप। ठीक सर, थैंक यू। अंतर नहीं वही आपकी क्वालिटी है, यूट्यूब पर डल रहा है। कर देना।